वेलकम टू स्टेप अप स्वागत है आप सभी लोगों का फिल्म 2019 के लिए स्कोर इनहेंसर सीरीज में ये हमारा तीसरा सेशन है और आज के इस सेशन में हम कुछ रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे लास्ट के दो सेशंस में हमने कई सारे इंडाइसिस को कवर किया था जो कि लगातार न्यूज में रहे हैं रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आप इसे भी देख सकते हैं बाकी कुछ कॉम्प्रहेंशन के लेक्चर्स अपलोडेड हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं सेवन हंड्रेड क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है जो कि मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन की है जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं आपको जब भी समय मिले वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो देखिए वैसे तो कई सारे क्वेश्चन रिपोर्ट्स पर या फिर रैंकिंग्स पर यूपीएससी पूछ चुकी है पास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास आपके लिए है जो कि 2015 में यू ने पूछा था द क्वेश्चन वॉज वच ऑफ द फॉलोइंग इशूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियोडिकली ऑप्शन हैं द एशियन डेवलपमेंट बैंक द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द U.S. फेडरल रिजर्व बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक दो हजार पंद्रह का एक क्वेश्चन है और सही जवाब है डी द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का ये एक इनिशिएटिव है जो कि वो पीरियडिकली इश्यू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले ये इंफॉर्मेशन फाउंडेशन बैचेस के बारे में है दस जून से बैचेज अनाउंसड हैं सेवन एटी आवर्स में पूरा फाउंडेशन बैच कवर करवाया जाता है अगर आप मंथ के हिसाब से बात करेंगे तो ग्यारह से बारह महीने का समय लगता है फाउंडेशन बैच में जो फैकल्टीज होती हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होती हैं कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं कुछ सीनियर ब्यूरोक्रैट्स होते हैं और कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं बाकी इसके अलावा इसके पैरेलल एक पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम भी चलता है एक और आपका क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा होता है जो कि कन्वेंशनली जो आप क्लासरूम का मतलब समझते हैं वही है उसके पैरेलल एक पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपके पास एक कोच होते हैं वो आपको गाइड करते हैं आपको टारगेट्स देकर आपकी सेल्फ स्टडी करवाते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं आपका प्लान तैयार करवाते हैं आप अच्छी नोट्स कैसे बनाएं उस पर काम करते हैं आपका ओरल टेस्ट लेते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है पढ़ाई के दौरान तो और आपको आपकी पूरी तैयारी के दौरान मोटिवेटेड रखते हैं इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को अलग से भी ले सकते हैं कंबाइंड जो आप बैच लेते हैं फाउंडेशन बैच उसमें तो ये इंक्लूडेड होता है लेकिन अगर आप इसे आप सेपरेटली भी अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये सभी प्रोग्राम्स अजय मिश्रा सर के अंडर में चल रहे होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन बीएससी और एमबीए है एम इन्होंने यूनाइटेड बिजनेस इंस्टीट्यूट बेल्जियम से किया हुआ है यूपीएससी के फील्ड में इनका सत्रह साल का एक्सपीरियंस है ये अपने समय में दो बार दो हजार चार दो हजार पांच में इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं पिछले बारह सालों से स्टूडेंट्स गाइड कर रहे हैं और इन्होंने ही प्रोफेशनली दो हज़ार बारह में स्टेप अप आई एस को लॉन्च किया था इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप कोई फर्दर डिटेल चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन फॉलोइंग नंबर यू कैन सी बिलो इन योर स्लाइड्स ठीक है आगे बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं तो जो पहला एक रिपोर्ट हमारे पास है दैट इज ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट ये लंडन बेस्ड एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है जो इसे रिलीज करता है उसका नाम है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पी डब्ल्यू सी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ये नाम आप याद रखिएगा ये रिलीज करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट पी डब्ल्यू सी का ये जो ग्लोबल इकोनॉमी वॉच है ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो इस बात पर फोकस करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे कौन से इशूज़ हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं और वो उसके लेटेस्ट प्रोजेक्शंस को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रैंकिंग रिलीज की जाएगी उसमें इंडिया का स्थान यूनाइटेड किंगडम से ऊपर होगा मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी का साइज यूनाइटेड किंगडम की इकॉनॉमी के साइज़ से बड़ा हो जाएगा तो ये पहली जो रिपोर्ट है आपने उसको कवर कर लिया दूसरा जो एक इनिशिएटिव है एक रिपोर्ट है वो आपके सामने है दैट इज़ फ्यूचर ऑफ कंजम्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया एक्चुअली में ये एक रिपोर्ट है टाइटल इसका है फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन ऑफ फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया ये रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डब्ल्यू के द्वारा इस रिपोर्ट के मुताबिक डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन जो कि इंडिया के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है ये दो तक सिक्स ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा मतलब इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी और इसके बाद ये इंडिया को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बना देगा अगर आप इस रिपोर्ट पर ध्यान दें जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जिसके तहत यह माना जा रहा है कि दो तक जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी तीसरा जो पॉइंट आज हमारे पास है दैट इज स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग ये एक रैंकिंग है इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीआईपीपी। ध्यान देने वाली बात यह है कि डीआईपीपी का नाम अब बदल दिया गया है डीआईपीपी का अब नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी इन्होंने इस रैंकिंग को रिलीज किया है डी ने इस रैंकिंग को 2016 में स्टार्ट किया था मतलब रिव्यू करना शुरू किया था जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसको रिव्यू करने की शुरुआत उन्होंने 2016 में ही कर दी थी एक जो की ऑब्जेक्टिव रहा इस एक्सरसाइज का वो ये था कि स्टेट्स को इंकरेज किया जाए या यूटीज को इंकरेज किया जाए कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिसके लिए स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा सा माहौल तैयार हो सके और वो लोग अच्छे से काम कर सके चौथा पॉइंट हमारे पास रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी राइस के बारे में है ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है टाइटल था रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी राइस दो इस रिपोर्ट को कॉप ट्वेंटी की जो मीटिंग हुई थी जो ट्वेंटी फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी उसके दौरान ही रिलीज किया गया था ठीक है तो यहां पर हम स्कॉच अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं स्कॉच अवार्ड जो है उसके साथ ही साथ कुछ रैंकिंग भी बताई गई है तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यबल एनर्जी को ये स्कॉच अवार्ड दिया गया है स्कॉच अवार्ड फॉर नेशनल सिग्निफिकेंस ये स्कॉच ग्रुप प्रोवाइड करवाता है ये अवार्ड इस मिनिस्ट्री को इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया सेवेंटी थ्री गीगावाट अवार्ड गीगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंडिया में डेवलप करने के लिए कुछ और रैंकिंग्स यहाँ पे बताई गई हैं जैसे इंडिया फोर्थ रैंक करता है विंड एनर्जी कैपेसिटी के परस्पेक्टिव से पूरी दुनिया में फिफ्थ रैंक करता है इंडिया सोलर और टोटल एनर्जी कैपेसिटी के परस्पेक्टिव स्कॉच ग्रुप के बारे में अगर आप बात करें हाँ इंडिया ने एक बहुत ही क्रिटिकल रोल इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी स्थापित करने में किया था वो भी एक सामान्य सी बात है स्कॉच ग्रुप इज़ अ काइंड ऑफ थिंक टैंक जो कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर फोकस करता है और इनका एक एजेंडा इंक्लूसिव ग्रोथ का भी होता है कि जो ग्रोथ हो उसका फायदा सबको मिले और इन सभी दिशाओं में ये काम उन्नीस से कर रहे हैं छठे नंबर पर हमारे पास एक रैंकिंग है दैट इज गवर्नमेंट ई पेमेंट अडोप्शन रैंकिंग गियर कह सकते हैं आप इसे तो टू थाउजेंड एटीन गवर्नमेंट ई पेमेंट अडोप्शन रैंकिंग स्टडी हैज़ बीन रिलीज बाई वीजा वीजा ने जो कि एक ग्लोबल लीडर है पेमेंट टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से उन्होंने इस रैंकिंग को रिलीज किया है ये थर्ड एडिशन है इसके पहले जो पहला एडिशन था वो 2007 में आया था 2011 में दूसरा एडिशन आया था और अभी 2018 में तीसरा एडिशन आया है दैट्स ऑय आप इस पर फोकस करिएगा दे कैन आस्क इंडिया को ट्वेंटी रैंक किया गया है 73 कंट्रीज में और 2011 में अगर आप कंपेयर करना चाहें तो 2011 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 36 थी मतलब कि अभी 2018 में जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है अच्छी है ठीक है तो आप इसको जानते रहिए अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप डील कर लें सातवें नंबर पर हमारे पास ग्लोबल वेज रिपोर्ट है दो हजार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है इस रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को भारत में कम पे किया जाता है पुरुषों की तुलना में इसके अलावा उनकी जो पेमेंट है वो कितनी कम होती है लगभग थर्टी फोर परसेंट लेस पे किया जाता है महिलाओं को अगर किसी काम के लिए एक पुरुष को सौ रुपए पे किए जाते हैं तो उसी काम को करने के लिए किसी महिला को महज छाछ रुपए पे किए जाते हैं तो ये इंडिया का एक डेटा बताया गया है इस रिपोर्ट में वो भी आप जानते रहिए रिपोर्ट कौन रिलीज करता है आई रिलीज करता है ये भी याद रखिएगा इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट आई के बारे में बात करते हैं इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट ये यू एन और उनके पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है ये एक बाइनियल एफर्ट है इसका मतलब यह है कि इसे दो साल में एक बार रिलीज किया जाता है ये बायनियल बाई एनुअल और एनुअल इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा बिकॉज यहाँ पे वो कंफ्यूज करते हैं रिपोर्ट होती है बायनियल वो एनुअल बोल देते हैं बायनियल का मतलब होता है दो साल में एक बार एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार और बायनुअल का मतलब होता है यहाँ ई की जगह पर अगर अगर ए हो जाए यहाँ स्पेलिंग आप देखिए बायनियल की इसमें अगर ई की जगह पर ए हो जाए मतलब कि साल में दो बार तो ये एक बाइनल रिपोर्ट है मतलब दो साल में एक बार इसे रिलीज किया जाता है ये सस्टेनेबिलिटी जो इकोनॉमी की है और लोगों का कितना भला हो पा रहा है उस इकॉनॉमी से उसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं नौवें नंबर पे हमारे पास यूएन रिपोर्ट है फॉर सोशल इंक्लूजन यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2018 का ये जो सर्वे था जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया उसने सोशल इंक्लूजन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई इसमें देखिए ये बताया गया कि कंट्रीज से अर्ज किया गया इस रिपोर्ट में कि अगर उनकी ग्रोथ अच्छी है वो अच्छी ग्रोथ रेट अवेल कर पा रहे हैं तो कोशिश की जाए कि इसका फ़ायदा नेशनल सोसाइटी को भी मिले मतलब उस देश में रहने वाले लोगों को भी मिले ये रिपोर्ट थी एशिया पैसिफिक रीजन के ऊपर उन्होंने ये भी अर्ज किया रीजनल पावर से कि वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करें मतलब जो ग्रोथ हो वो सभी लोगों को इंक्लूड करके हो और सभी का उसका सभी को उसका फ़ायदा भी मिले ग्रोथ ऐसी ना हो कि आज इतना नुकसान कर दिया जाए कि भविष्य में उसकी भरपाई ही ना हो पाए रिपोर्ट ये भी डिस्क्राइब करती है कि साउथ South और साउथ वेस्ट एशिया का जो रीजन है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सब रीजन है एशिया पैसिफिक रीजन में एशिया पैसिफिक तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ठीक है तो उसका जो एक छोटा सा फ्रैक्शन है साउथ South और साउथ वेस्ट एशिया वो इस पूरे रीजन में सबसे तेजी से डेवलप कर रहा है उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो सोशल स्पेंडिंग की जा रही है वो मोस्टली सरकार कर रही है प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पर कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे रिलीज किया गया है यूएन स्केप के द्वारा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है उसकी सब विंग है Escape, जिसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है दसवें नंबर हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है यह रिपोर्ट एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसका किसका ज्वाइंट प्रोडक्ट है यह आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स आप इसे यूएन देसा कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनैक्टैड से कहा जा सकता है और पांच और भी यूनाइटेड नेशंस के रीजनल कमीशन हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा यू एन देसा और यूनिकटैड ये इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक जो ग्लोबल ग्रोथ है वो तीन पर रहने की संभावना है दो में और दो में ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक्स में कई तरीके के खतरे फेस कर रही है वो खतरे कौन से हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं देशों के बीच में हम ये देख भी रहे हैं लगातार न्यूज़ में ट्रेड डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं जो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन है वो तेजी से कठोर हो रही है और क्लाइमेट रिस्क भी बढ़ता चला जा रहा है तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में ग्यारहवें नंबर पर हमारे पास है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यू एन ये आप लोग जरूर याद रखिएगा बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली यही आते हैं कि इसे कौन पब्लिश करता है तो ये बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन सस्टेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं सिक्स क्राइटेरिया है इस रैंकिंग का अगर आपको ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि क्या क्या बेसिस हैं हैप्पीनेस को इवेलुएट करने के पहला तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम दूसरा हेल्दी इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीसरा सोशल सपोर्ट कितना है लोगों के पास ट्रस्ट मेजर्ड बाई परसीव्ड अब्सेंस ऑफ करप्शन ट्रस्ट कितना करते हैं लोग गवर्नेंस में अदर एक्शन जो है गवर्नेंस के उसमें तो ये तो इसी बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि करप्शन तो नहीं है पांचवा परसीव फ्रीडम टू तो मेक लाइफ डिसीजन अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की जो, जो लोगों की क्षमता है उसे भी इवेल्युएट किया जाता है और जेनरॉसिटी मतलब वहाँ पर लोग कितना ज़्यादा डोनेशन देते हैं तो इसे भी मेजरमेंट में लिया जाता है तो छह क्राइटेरिया आपको याद रहे अच्छा है किसी रिपोर्ट का किसी रैंकिंग का किसी इंडेक्स में अगर कम क्राइटेरियाज हैं तीन चार पाँच छः तो आप याद कर लीजिए अगर दस बारह पंद्रह के ऊपर हैं तो वो नहीं पूछते हैं लेकिन अगर चार पाँच छः हैं तो वो पूछ सकते हैं आपको पता होना चाहिए फिनलैंड हैप्पीएस्ट नेशन रहा उसके बाद डेनमार्क नॉर्वे आइसलैंड और नीदरलैंड का नंबर रहा यूनाइटेड स्टेट्स को नाइनटीन्थ रैंक मिली और लास्ट जो स्पॉट था वो वन नंबर पर साउथ सूडान रहा वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं इंडिया को वन रैंक मिली है एक देशों में मतलब यहाँ पर भी हम लोग कुछ खास खुश नहीं है इंडिया की रैंकिंग पहले से ख़राब हुई है 2018 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो वन थर्टी थर्ड थी यानी कि एक थी तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बारहवें नंबर पर हमारे पास रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2018 अभी हाल ही में हमारे सामने आई इसे रिलीज किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं दो की बात यहाँ पर की जा रही थी वो इंडिया से हैं उसके बाद चाइना और बांग्लादेश का नंबर है रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग वन थर्ड जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो एशिया से हैं 2017 की बातें यहाँ पे बताई गई हैं क्योंकि 18 में रिपोर्ट लाई गई है तो एक साल पहले का डेटा वो देंगे यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर आप कैसे किसी एक व्यक्ति को माइग्रेंट कह सकते हैं तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है इंटरनेशनल माइग्रेंट आर हैव स्पेंट एट लीस्ट वन ईयर ऑफ देयर लाइफ्स इन अ कंट्री अदर देन द वन इन विच दे लिव एट द टाइम ऑफ द डेटा गैदर्ड जिस समय डेटा गैदर किया जा रहा है माइग्रेंट्स के बारे में वहां पर जो व्यक्ति है वो अपने देश को छोड़कर कम से कम एक साल से वहाँ पर रह रहा है तो उसे माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे रैंकिंग में इवेल्युएट कर दिया जाता है तो ये तो हमने एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर ली नंबर पर हमारे पास है एयर सेफ्टी ओवर एयर सेफ्टी ओवर इसको हाल ही में किया गया, ICAO के द्वारा। फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ स्कोर को रिलीज किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) के द्वारा इनका उद्देश्य यह होता है कि इस बात पर ध्यान रखा जाए कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं एविएशन सेक्टर में सेफ्टी को लेकर उसे कौन सा देश कितनी इफेक्टिवली और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ इंप्लीमेंट कर रहा है इंडिया का जो परसेंटेज मतलब 100 परसेंट को हम 100 परसेंट सेफ्टी मान लेते हैं उसमें परसेंटेज को इवेल्युट किया जाता है इंडिया पहले इस रैंकिंग में 66 परसेंट पर था मतलब हम 66 परसेंट जो क्रिटिकल सेफ्टी थी उसको इंश्योर कर पा रहे थे अभी जो रैंकिंग है उसमें इंडिया थोड़ा नीचे आ गया है और फिफ्टी पर आ गया है मतलब हमारी जो सिक्योरिटी है एविएशन सेक्टर को लेकर वो कम हुई है इंडिया उन पंद्रह देशों में से एक देश है जो मिनिमम टारगेट रेट्स के नीचे हैं मतलब हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हमारा स्कोर म्यांमार बांग्लादेश मालदीव्स पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल इवन नॉर्थ कोरिया से भी नीचे है एशिया पैसिफिक रीजन में हम कुछ देशों से ऊपर भी हैं उनका नाम आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए कलेजे पे पत्थर रख के पापुआ न्यू गिनी तिमो लेत्से वनुआतू और समोआ जैसे छोटे देशों से ही मात्र इंडिया ऊपर है बाकी वो सबसे नीचे है तो सुन के बहुत अच्छा लगने वाली बात नहीं है बट ठीक है जानते रहिए बात है चौदहवें नंबर पर द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट इसे लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा फैक्चुअल बातें हैं एक्चुअली मैं आपको याद करनी पड़ेंगी इन बातों को तभी आप एग्जाम में एक बार में इसे क्लिक कर पाएंगे टिक कर पाएंगे तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई ने ये रिपोर्ट हमारे सामने रखी है ये अपने तरीके की पहली रिपोर्ट है जो एनालाइज कर रही है कि रेल का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है अभी और आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया में पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है एनर्जी और इन्वायमेंटल भी देखे जा रहे हैं रेलवे के वही एनालिसिस पे किया गया है है इन्होंने ये बताया कि जो रेल सेक्टर है, वो 8 टोटल पैसेंजर्स को और सात परसेंट फ्रेट मूवमेंट को कवर करता है दुनिया भर का तो ये रिपोर्ट आपने कवर कर ली पंद्रह नंबर पर हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिपोर्ट है ए का ये एक इनिशिएटिव है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिपोर्ट ए आई आई बी से हमारा मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से है जिन्होंने यह कहा कि उनका यह मानना है उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर जो सिचुएशन है जो उसकी कॉस्ट है वो इंडिया में इंक्रीज हो जाएगी आने वाले एक साल में बैंक ये मानता है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हमारे सामने रखा कि ग्लोबल इकोनमी जो है उसकी गति धीमी हो रही है बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है मतलब कि अब लेने जो लोग पैसे ले रहे हैं उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है जियो पोलिटिकल जो है ये कुछ कारण यहां पर बताए गए हैं हायर बोरोइंग कॉस्ट और जियो पोलिटिकल इन्वेस्टर्स के मन में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट का रेट भी गिर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जो सिनेरियो है इंडिया में वो पब्लिक स्पेंडिंग पर ही डिपेंडेंट है अभी भी अभी भी इस सेक्टर में खर्चा ज्यादा सरकार ही कर रही है प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अंत में कुछ और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं इन पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं रिपोर्ट कौन सी है कौन इसे पब्लिश करता है इतना जान लीजिए ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट क्रेडिट स्यूज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इसे तैयार किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और अंत में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट (बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनेक्टेड इन ब्रीफ तो अंत में कुछ और रिपोर्ट्स को हमने कवर कर लिया यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो समाप्त हो रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन थैंक्स अ लॉट